हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, पिछली बार मैंने आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाया था फ्रेंड्स, और आज मैं इसी डिज़ाइन का यूज बताऊँगी। तो ये देखिए, मैंने अपने पीस वगैरह कट कर लिए हैं और जो मुझे डिज़ाइन बनाना है मैं आपको बता रही हूँ। मुझे एक हाफ़ पर्दा बनाना है फ्रेंड्स, तो ये मैंने उसी हिसाब से मैंने ये 6 पीस सिल लिए हैं। और इसके साथ जो ये कपड़ा जॉइंट होगा, ये मैंने 7 पट्टियाँ ली हैं फ्रेंड, जो 2.5 इंच की हैं और लंबाई इनकी 12.5 इंच है। ये हमने इसी के हिसाब की काटी हुई है, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। और ये हमने बड़ी बड़ी स्टेप पट्टी काटी है 2.5 इंच की, जो हमें बाद में इस इनका बॉर्डर यूज करना है। तो ये बड़ी बड़ी पट्टियाँ काट ली फ्रेंड्स। ऐसे ही मैंने कुछ ये पट्टियाँ ले ली हैं और कुछ मैंने ये पट्टियाँ ले ली हैं। तो ये हो गया, और ये 2 पीस हमने 2.5 इंच के लिए फ्रेंड्स। तो ये 2 पीस हो गए, और ये हमने इस कपड़े के पीछे जो हम कपड़ा जॉइंट करेंगे वो हमने ये कपड़ा ले लिया। तो हम अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले हम इनको करते हैं साइड में। अब सबसे पहले हम डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तो हम बाद में उस कपड़े के ऊपर इस डिज़ाइन को जॉइंट करेंगे। तो ये डिज़ाइन मैं आपको पहले सेट करके दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। तो हमें अब क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये 2-2 पीस आपस में सिल लेंगे। ये वाली पट्टी हम बाद में जोड़ेंगे, इस पट्टी को हम सिर्फ इस टुकड़े के साथ जोड़ लेते हैं। यहाँ से इसको सिलेंगे, पलट देंगे, और फिर हम इसी को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से सिलेंगे और इसको पलट लेंगे। तो ये पट्टी हमारी आपस में जॉइंट हो जाएगी। तो ये हो गया, ऐसे ही हम फ्रेंड इसको सिलेंगे। तो ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद ये जो हमारी पट्टी है उसको हम सबसे पहले इसके ऊपर सिलेंगे, पलटेंगे, और सेम यही पीस हम इसके ऊपर रख के इस तरीके से सिल देंगे। तो ऐसे ही हम इस पीस को भी तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसको भी और इसको भी। तो हम आगे उसके बाद बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अपनी पट्टियाँ जोड़ ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारी जो पट्टी है हमने जोड़ी है, इसको हम इस पर सेट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको बिछा लिया है। अब हम पिनअप करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो जोड़ है ये हम इस जोड़ को इन जोड़ से मिलाएंगे, हम पिनअप कर लेंगे फ्रेंड। तो हम इसी जोड़ पे बिल्कुल लाइनिंग से लेंगे और यहाँ ये 2 पिनअप कर लेंगे और सीधे सिलाई लगा देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा जितना भी होगा वो साइड साइड में निकल जाएगा फ्रेंड्स। और फिर जब हम इसको सिल लेंगे यहाँ से, फिर हम इसको भी इस तरीके से करेंगे कि इन दोनों को यहाँ से जॉइंट करेंगे पिन लगा के, और फिर इसको भी इसके ऊपर पलट के और सिलाई लगा देंगे फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हम ये पीस तैयार कर लेते हैं, ऐसे ही हम इस पट्टी को भी जॉइंट कर लेते हैं। तो हम आपको सिल के दिखा देते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरी अब पट्टी जुड़ गई है, ये पीस मेरा जुड़ गया है, और देखिए बिल्कुल कोने से बिल्कुल बिल्कुल सिलाई पे आया हुआ है। तो देखिए, कहीं से कोई एक्स्ट्रा वगैरह कुछ नहीं है और बिल्कुल फिनिशिंग से सिला है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम उन्हीं पट्टियों का इस्तेमाल करेंगे जो हमने काटी थी फ्रेंड्स। तो देखिए, हमने सबसे पहले ऑरेंज कलर की ये रेड कलर की पट्टी ली है, ताकि हम पहले इसका इस्तेमाल करें। तो ये हमारी कुछ पट्टियाँ हैं जो हम इसका चारों तरफ से बॉर्डर लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम साइड साइड में से इसको सिल लेते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हम एक पट्टी लेंगे और इसको यहाँ से रख के सिल देंगे और फिर पलट देंगे, ठीक है। एक पट्टी इधर हो गई और एक पट्टी हमने यहाँ पहले साइड में लेंगे। तो ये 2 पट्टियाँ हमारी जुड़ जाएंगी, और फिर उसके बाद हम ये वाली ऊपर वाली पट्टी लेंगे। लेकिन ऊपर वाली पट्टी में हम एक कपड़ा जॉइंट करेंगे। तो पहले हम साइड साइड की पट्टियाँ सिल लेते हैं फ्रेंड, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने साइड साइड में से सिल लिया है। तो अब क्या करेंगे, अब ये पट्टी ले ली है अपनी जो हमें अब इस तरफ सिलनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने ये 4 पीस लिए हैं जो 2.5 इंच के हैं। तो एक पीस सिलेंगे और सीधे उल्टे का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो इसको इस पे सिल लेंगे फ्रेंड्स पहले, और सिलने के बाद
फिर ये इस तरीके से आएगा। फिर यहाँ हमें जॉइंट से जॉइंट को मिलाना है, देखिएगा ध्यान से फ्रेंड्स, यहाँ जॉइंट से जॉइंट को मिलाना है और इसको हम फिर पूरा सिल देंगे। तो हम इसको बाद में इस तरीके से पलटेंगे और सीधी सिलाई लगा के, और फिर हमें यहाँ रोक लेना है फ्रेंड्स सिलते सिलते, और यहाँ से हम कपड़े को आगे से कट करेंगे। फिर हमें इस पीस को भी यहाँ जॉइंट करना है ताकि ये पीस भी हमारा यहाँ कोने पे इस तरीके से आए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ कोने पे आए। तो मेरे चारों तरफ चारों कोने पे ये एक एक पीस आना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये इस तरफ कोने पे आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने ये पट्टी सिल ली है पूरी, ये हो गया हमारा। अब ये देखिएगा, इधर हमने अभी दूसरा पीस ऐड नहीं किया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये सिल लिया है हमने यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से देखेंगे लाइन पे लाइन, एक लाइन लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसी लाइन से सीधी एक लाइन लगाई है। तो ये देखिए इस तरीके से, तो हमने एक लाइन लगा ली, और इसके बाद हमने मार्जिन के लिए एक लाइन और लगा लिया है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला पीस यहाँ से कट कर देंगे। तो हम कट कर लेते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से, कि इसको हमने लिया और यहाँ से हमने कट कर दिया। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हम ये पीस लेंगे और यहाँ से हम इस लाइनिंग पे सिलेंगे, और सिलने के बाद फ्रेंड्स ये पीस हमारा इस तरीके से यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स। तो हम ये सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा यहाँ कंप्लीट आ गया है, और बिल्कुल देखिए कोने से सिलाई जुड़ी हुई है ये। तो ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी सिल लेते हैं, फिर हम आपको इसको पूरा दिखाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पूरी तरीके से दिखा रही हूँ। तो ये मेरा हो गया है। अब मैं इसके साथ दूसरा कपड़ा जॉइंट करूँगी। तो मैं दूसरा कपड़ा आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पट्टी ले ली है। अब हम इस पट्टी को इस पर रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ से सिल देंगे। तो ये हमारी इस तरीके से आ जाएगी। तो ऐसे ही पट्टी हमें दूसरी तरफ सिलनी है फ्रेंड्स। तो पहले हम इसको सिल लेते हैं, और फिर हम जब हम यहाँ साइड वाली पट्टी जोड़ेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको साइड वाली बता देती हूँ। जब हम साइड वाली जोड़ेंगे, क्योंकि ये तो हमारी बिल्कुल सिंपल है, सीधा सिलना है हमें और यहाँ तक फिनिश करना है। फिर उसके बाद जब हम साइड वाली पट्टी जोड़ेंगे, तो हम सबसे पहले ये चार पीस लेंगे जो ढाई ढाई इंच के हैं, इसको रखेंगे और यहाँ से सिल देंगे। सिलने के बाद फ्रेंड्स ये इस तरीके से आएगा, यहाँ पे इस तरीके से। तो हम इसको सिल लेते हैं फ्रेंड, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पर्दा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर पहले इसको प्रेस कर लेंगे, और फिर इसके ऊपर वो जो हमने कपड़ा रखा हुआ था, इसके ऊपर कपड़ा रखेंगे। कपड़ा जॉइंट करने से पहले फ्रेंड्स, हम एक पट्टी लेंगे और उसको हम 5.5 इंच नाप के कट करेंगे। 5.5 इंच कट करके, और चौड़ाई हम उसकी लेंगे 2 इंच। ये हमारी 2.5 इंच की पट्टी है, पर हमें 2 इंच की चाहिए, और चौड़ाई हमें इतनी लंबाई चाहिए 5.5 इंच। बाद में हम उसको कट करके 5 इंच कर लेंगे। तो हमें इस तरीके से ऐसे मोड़ना है, और इसको इस तरीके से सिलना है फ्रेंड्स। तो हम ऐसे एक सिलाई यहाँ लगा लेंगे, एक सिलाई ऐसे लगा लेंगे। तो हम ये पूरी पट्टी इस तरीके से सिल लेते हैं, और फिर इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तो ऐसे ही हमने कुछ पीस तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स, वो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पट्टी सिल ली है, और इसको फोल्ड भी कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हमने इसको इस तरीके से सिल दिया है फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको सिल लिया है, यहाँ से एक सिलाई लगा ली है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम इसके यहाँ जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो हमने यहाँ 5.5 इंच के निशान लगा लीजिएगा, और कोने कोने से 5.5 इंच का निशान लगाइएगा। तो ये देखिए इस तरीके से, ये हम ऐसे ये पीस लगा लेंगे। तो ऐसे ही हमारे ये 10 पीस बने हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये हमें ये लगाने थे। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स
इसको हम ऐसे ही लगाएंगे और इसके ऊपर पहले हम एक कपड़ा रख लेते हैं। तो ये देखिए ये कपड़ा, हमें इस कपड़े को सीधे पे ही जॉइंट करना है, उल्टे पे जॉइंट नहीं करना है। तो ये देखिए कपड़ा हो गया हमारा इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ उन पीस को बीच बीच में रख के सिलाई लगाएंगे। हमारा जितना ये कपड़ा है हम उसी के हिसाब से आप कट कर लेते हैं, तो हम आपको कट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पीस को भी इसी के नाप से कट कर लिया है। और फिर हम इसके, ये हमारा उल्टा पीस है और सीधा हमारा इस तरीके से आएगा। तो ये देखिए अंदर सीधा है और ये सीधे सीधे पीस हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे और थोड़ा सा साइड में से हम इतना छोड़ देंगे ताकि इसको हम पलट सके, खोल सके अंदर से। तो हम ये चारों तरफ से सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा चारों तरफ से हो गया है। ये देखिए मैंने इधर से सिल लिया है और यहाँ से सिल लिया है, और यहाँ से देखिए मैंने इतनी जगह छोड़ दी है ताकि हम इसको बाद में पलट सके। तो हमारा ये लाइन भी हो गई है फ्रेंड्स। अब हमारी जो ऊपर की है जिसमें हमें वे हुक ऐड करने हैं, तो हम वे ले लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने हुक ले लिए, ये इसको हमारी हमारे यहाँ इसको लूप भी और हुक बोलते हैं। तो ये देखिए मैंने पट्टी ले ली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने निशान लगाए हुए थे इस पर, हम इस तरीके से ये जो है देखिएगा फ्रेंड्स, ये उप ये सिलाई वाला हिस्सा जो मैंने सिलाई लगाई है इसको हम बाहर रखेंगे और ये अंदर रखेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ कोने पे लगाएंगे और फिर हम ऐसे ही सिलते चलेंगे, और जब हमारा ये दूसरा ये हिस्सा आ जाएगा यहाँ, फिर हम इसको फिर दूसरे को लगाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से, और फिर हम इधर भी सिल देंगे। तो ऐसे ही हम ये जो हमने निशान लगाए थे उन पर ही हम इनको अंदर रखते चलेंगे और सिलाई लगाते चलेंगे फ्रेंड्स। तो मैं ये पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको ओपन करेंगे। तो जहाँ से मैंने थोड़ा जगह छोड़ी थी, ये रही वो फ्रेंड्स, अब हम इसको सीधा करेंगे। तो मैं सीधा कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये ओपन हो गया है और जो मैंने ये ऊपर ये लुपिया लगाई थी, पट्टियाँ लगाई थी, तो ये भी देखिए इस तरीके से ये पर्दे की शेप में आ गई है। जब हम इसके अंदर डोरी डालेंगे तो बिल्कुल तैयार बैठेंगे फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया है और अब हम चारों तरफ एक एक सिलाई लगा देते हैं। फिर उसके बाद पहले हम इस वाले धागे से सिलाई लगाएंगे, एक लाइन यहाँ लगाएंगे तो एक लाइन ये इस पे लगाएंगे। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ इसी मैचिंग के धागे से एक सिलाई और लगाएंगे, जिससे हमारे चारों तरफ का बाउंड्री तैयार हो जाएगी। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स, या पहले बीच में से भी शुरू कर सकते हैं, पर साइड पहले बाहर से सिलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्रेंड। अगर आपको बीच में से भी सिलना है तो आप बीच में से भी सिल सकते हैं। फिर ये आप सिर्फ ऑरेंज वाली लाइन पे, इस रेड वाली लाइन पे ही सिलाई लगाइएगा इस तरीके से। बीच के फूल पे आपको सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर लगाना चाहते हैं तो मैचिंग के धागे से इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये कंप्लीट हो गया है और अच्छी तरीके से सिल गया है। तो अब मैं इसको आपको खिड़की पे इस पर्दे को लगा के दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, मेरा ये पर्दा मैंने लगा लिया है। फ़िलहाल मैंने ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए लगाया है। तो ये हो गया हमारा हाफ़ पर्दा। जब हम खिड़की पूरी नहीं खोल पाते तो ये हाफ़ पर्दा ऐसे लगाइएगा। तो देखिए लग रहा है ना खूबसूरत। तो आप भी ऐसे डिज़ाइन के यूज कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।